लेट्स बिगेन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं पाकीज़ा बतूल और आप देख रहे हैं शेफ हुबाब ज़ारा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। वीडियो के टाइटल से तो सबको समझ आ ही गई होगी कि ये व्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। जी हाँ, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चों की साइकिल्स के बारे में, तो यहाँ पे हम आ गए हैं बच्चों की न्यू साइकिल्स लेने। और स्टार्ट वो भी नहीं है, व्हील भी स्टार्ट नहीं है। ब्रेक मेरे को सही नहीं लग रही, ब्रेक मेरे को सही। चलिए आप बैठिए जरा। ये तो स्टंट बाइक। खैर से आज तक इनकी जितनी भी साइकिल्स गाड़ियाँ स्कूटीज आई हैं इनके अम्मो जान के कहने पे ही आई हैं। असल में इन बच्चों से ज़्यादा शौक, खुशी और एक्साइटमेंट इनकी अम्मो को होती है। इनकी अम्मो कहती हैं, पाकीज़ा मेरा दिल करता कि गैराज में हर वक्त इन बच्चों की नई से नई साइकिल्स गाड़ियाँ स्कूटीज़ खड़ी हों। फिर ऐसे ही इनके नाना नानी इनको हर बर्थडेज़ और ईद वगैरह पर ऐसे ही कुछ ना कुछ दे देते, जिससे इनसे ज़्यादा तो इनके नाना नानी ही खुश होते हैं। मज़े की बात तो ये है कि ये दोनों भी इस मामले में तंग सिर्फ अपने नाना नानी को ही करते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पे तो हमारी हर तरह की बात मानी जानी है। अल्लाह पाक हम सब के ऐसे मान और प्यार सलामत रखें और नज़रे बद और नज़रे हसद से बचाएं। भैया हैप्पी कुछ हो रहा है, मुझे पता वैसे अभी उतारते हैं बेटा, उतार के देते हैं। ठीक है जी। नेम क्यों? बिल के ऊपर नेम नहीं लिखना। नेम क्या लिखवाया? नेम क्या लिखवाया? मोहम्मद हनान हैदर साहब। हाँ जी, सुजान हनान हैदर साहब। ये देखेंगे बिल। मम्मा मेरी तो स्टैंड साइकिल है ना, स्टैंड वाली। दुकान का नाम भी फिजान साइकिल मार्ट है। ओहो, इस शॉप का नाम है फिजान। बाय चांस इस शॉप का नाम फिजान है तो फिजान जी तो इस बात पे बहुत खुश हुए कि ये शॉप तो मेरे नाम पे है। फाइनली जी दोनों बच्चों की साइकिल्स रेडी हो गई हैं और ये जो आप प्लास्टिक बैग देख रहे हैं साइकिल के साथ हैंग हुआ हुआ, इसमें फिजान की साइकिल के स्पोर्ट्स व्हील्स हैं। फिजान ने कहा आप ये रिमूव करवा दें, मैं इनके बगैर ही चलाऊंगा। आर यू हैप्पी? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर भी उतार लो, फिजान कह रहा है मामा मेरी साइकिल की नज़र भी उतार लें। मैं उतारूंगी, आपकी भी उतारूंगी, साइकिल्स की भी उतारूंगी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भैया आप क्या कह रहे थे? सब तारीफ कर रहे हैं, सबको पसंद आई है। इधर प्लीज़ आप सब मोटर की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यही टाइम होता है पानी के आने का, तो मोटर चलाना भी ज़रूरी है। मैं सबसे बेस्ट, दुनिया की सबसे बेस्ट। यहाँ पे मैं आप सबके साथ अपनी एक पुरानी बात और पुरानी वीडियो शेयर करूंगी, जहाँ पे सिर्फ हनान भैया भी सिर्फ 1.5 साल के ही थे तो इनकी सबसे पहली मिकी माउस वाली छोटी सी बाइक अम्मो ने लेके दी थी कि ये बाहर अपने चलाया करे। लेकिन कहते हैं ना बच्चा तो फिर बच्चा ही होता है, वो जस्ट इसने 1 या 2 दिन शौक से चलाई होगी। फिर भाईजान ने अपने नेबर्स में किसी बच्चे को छोटी गाड़ी चलाते हुए देख लिया और फुल फड्डा शुरू कर दिया, अपना मिकी माउस छोड़ के फुल जिद के मुझे तो वही वाली गाड़ी चलानी है। अब वो दूसरा भी बच्चा था वो तो कहे कि मैंने तो इसको देनी ही नहीं।
मैं फिर इसको रोते हुए को उठा के घर के अंदर ले आई। इधर जब आई तो अम्मो की कॉल आई तो ये रो रहा था। अम्मो ने पूछा कि ये क्यों रो रहा है। मैंने बस उनको ये सारा वाकया बयान किया कि इसने गली में किसी बच्चे की गाड़ी देख लिया और तब से ये चुप ही नहीं हो रहा। बस फिर होना क्या था, अम्मो कहती कि मेरा बच्चा वो भी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए रो रहा है, मैं अभी लेकर आती हूँ इसके लिए। लो जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों के अंदर अंदर ही इसके नाना नानी उससे भी अच्छी गाड़ी लेके हमारे घर आ गए। वाओ, क्लैपिंग क्लैपिंग करके दिखाएंगे ना। क्लैपिंग जानू जी, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग पहले क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग करी, क्लैपिंग करी, क्लैपिंग करी। वाओ, एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार। वाओ, कार कहाँ है, कार न्यू कार कहाँ है? ये है कार मेरे बेटे की। वाओ, क्लैपिंग करी, क्लैपिंग करी, क्लैपिंग करी, क्लैपिंग पहले क्लैपिंग। वाओ, न्यू कार। इसकी गाड़ी वाले वाकये के बाद इसकी नानी ने कहा कि अब मैं पहले से ही इसकी 3 व्हील्स वाली साइकिल लेके तुम्हें दे देती हूँ। पकीज़ा, अब जब कुछ महीनों के बाद इसकी साइकिल चलाने की बारी आए तो मेरा बच्चा इस तरह से दोबारा ना रोए। मेरी मामा की कही हुई बात को अभी कुछ महीने भी नहीं गुजरे कि भाईजान ने फिर बाहर ही किसी बच्चे की 3 व्हील्स वाली साइकिल देखी और फिर फटा शुरू। लेकिन शुक्र अल्लाह का, इस दफ़ा हम पहले से तैयार थे। मैंने कहा भाईजान आप अंदर आ जाएं, आपकी इस तरह की अब ऑलरेडी साइकिल मेरे पास ऊपर स्टोर में पड़ी है, मैं आपको ला के देती हूँ। देन जब मैंने भाईजान को ऊपर स्टोर से इनकी पर्पल कलर की साइकिल ला के दी तो वो रिएक्शन भी इनका बहुत मज़े का था। अभी मैं साइकिल लेके आधी सीढ़ियाँ नीचे आई तो मुझे देख के कहते हैं वाओ मामा मैजिक। मैं उस दिन की वीडियो को भी यहाँ पर अटैच करना चाह रही थी लेकिन मैंने उस वीडियो को बहुत ढूंढा, अभी तो मुझे नहीं मिली वो। इसकी उस दिन की वो हैप्पीनेस अभी तक मेरे माइंड में है। खैर, अब हम बात करते हैं इनकी ये वाली साइकिल्स की। अब इधर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पहले तो हमने फैज़ान की कोई और साइकिल देखी थी जो वो घर लेके आया था और अब उसकी साइकिल हनान की साइकिल जैसी है। तो हुआ कुछ यूं कि फैज़ान जी को साइकिल 1-2 घंटे चलाने के बाद एहसास हुआ कि मेरी साइकिल तो हनान भैया की साइकिल जैसी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे मुझे और अफनान को दोबारा जाना पड़ा इसकी साइकिल चेंज करवाने के लिए। जो साइकिल में 2-3 हज़ार का फ़र्क था वो हमने उसको पे करके कहा कि हमें उसी तरह की एक और साइकिल दे दें। इधर अब बारी आती है एक और गिफ्ट की और ये गिफ्ट स्पेशली मेरी आपी जान के लिए है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चों के लिए कोई गिफ्ट आए या मेरे लिए या हुबाब के लिए कोई चीज़ आए तो आपी जान के लिए ना आए। आपी जान तो हम सबकी लाइन वाइज क्लास लगा देंगी, इसलिए आपी जान का गिफ्ट आना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं फिर आपी को उसका गिफ्ट देने के लिए। ये है मेरी आपी जान का गिफ्ट, आपी की ईदी मामा बाबा की तरफ से। तो अब देखें आपी का रिएक्शन। आपी जान, दिस इज फॉर यू। थैंक यू आपा जान, आप खुश रहो, सलामत रहो, जिंदगी आपकी लंबी हो, बच्चों की जिंदगी लंबी। ये मामा बाबा की तरफ से आपी जान की ईदी है। लाए तो भैया, लाए तो अफनान है, आपी अफनान लाए आपके लिए। इधर देखिए आप हैप्पी हैं? यस। वाओ, इतना प्यारा। थैंक यू भाई जान। कलर्स तो देखिए, कितना प्यारा कलर है। बहुत अच्छा है तो। थैंक यू। आपको भी, भैया डैन को भी, ये तरफ से। आर यू हैप्पी? टू द हैप्पी कजिन्स। मैं इतना खुश हो रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे बच्चे हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी रहती हूं। चलिए आप जान, अपना पुराना मोबाइल तो दिखाएं। ये है पुराना, ये आपकी का पुराना मोबाइल है और ये न्यू है। चलें जल्दी से ट्रांसफर करके दें। थैंक यू। इधर जी पूरी तरह से अम्मो को मक्खन लगाया जा रहा है। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम बेबी वेलकम। आप लेके खुश हो गए ना? ओके, मैं भी खुश हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ। आप नहीं हुए? आपने क्या लेना? बताएं आपने क्या लेना, बताएं ना। मैंने स्टेबल चीज़ लेनी
क्या स्केटिंग शूज लेने कह रहा है। स्केटिंग शूज हाँ, वो इसने मुझे काफी दिनों से याद कराया हुआ है। स्केटिंग शूज भी ले दूंगी और वो भी लेना है, वो ड्रोन भी ले दूँ। हाँ ड्रोन 40,000 पूरे वो ड्रोन प्लेन भी ले दूंगी। ओके वो भी ले दूंगी। मैं अपने बच्चों के लिए लाऊंगी ना, और मैं अपने प्यारे प्यारे बेबीज को ही दूंगी ना, और मैंने किसको देने हैं, मेरे बेटे हैं। ऐसी घर की कोई भी चीज आनी हो जो बच्चों के गिफ्ट से रिलेटेड हो या मोबाइल से रिलेटेड हो या शॉपिंग से रिलेटेड हो, वो मेरी और अफनान की ही ड्यूटी होती है लेके आना। अम्मो जान तो बस घर बैठ के ऑर्डर कर देती हैं कि बेटा जी मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ इसका अरेंज कर दें। फिर मैं या अफनान अपने टाइम को मैनेज करके किसी तरह से उस चीज़ को अरेंज कर देते हैं। उनके ऐसे ऑर्डर्स को तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके ऐसे ऑर्डर्स मेरे बच्चों के लिए हमारे लिए ही होते हैं, तो फिर तो बहुत मज़ा आता है उनके ऑर्डर्स को पूरा करने में। खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी कुछ मेमोरी शेयर की जो मेरे भाईजान से रिलेटेड है, और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरी अपनी भी मेमोरी रिकॉल हुई। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखें और नज़रे बद और नज़रे हसद से बचाएं। आप सब प्लीज़ इस पर आमीन ज़रूर कहिएगा। तो मिलते हैं जी फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।